हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन एक्सप्लोरर अभी। और जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा, आज एक छोटा सा व्लॉग होने वाला है। मैं जा रही हूँ आज किटी में, 2 मंथ्स के बाद जा रही हूँ। लास्ट मंथ मेरे को कोई काम आ गया था तो मैं नहीं जा पाई थी, तो आज चलते हैं किटी में। रियली एक्साइटेड बिकॉज आफ्टर 2 मंथ्स आई एम गोइंग देयर, तो आई वॉज काइंड ऑफ मिसिंग किटी एक्चुअली, जो आपको मंथ में एक बार रिजुवनेट कर देती है। आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, थोड़े फन गेम्स खेलते हैं, थोड़ा अच्छे से खाते हैं, क्योंकि घर पे तो आप हमेशा डाइट कॉन्शियस रहते हैं, ये मत खाओ, पर वहाँ बिकॉज यू आर पेइंग तो आप वहाँ जाके अच्छे से खाते हैं। मैं तो एटलीस्ट खाती हूँ गाइस, और मजे करते हैं। तो चलो आज किटी में लेके चलती हूँ आपको, कि आपको कैसा लगता है। अभी मेरा सुबह से सारा काम हो गया है। एक बार हस्बैंड का सुबह 8 बजे का सारा काम करके उन्हें भेज दिया ऑफिस। मैंने बनाया था उनके लिए आलू शिमला मिर्च और लौकी का रायता। अब बेटा जा रहा है तो बेटे के लिए बनाया है मैंने पोहा। देखिए चढ़ा हुआ है वहाँ पे पोहा किचन में, वो रहा। तो पोहा बन चुका है, उसके जाने की तैयारी है। अचानक से लेट उठता है और उठते ही फिर बोलता है आई एम लीविंग। तो अभी फटाफट सिर्फ पोहा ही बन सकता था। तो सॉरी आ गया है, सॉरी इज इनफ। सॉरी में तो हम औरतें कितना बेवकूफ बन जाती है ना दोस्तों। पति सॉरी बोलता है तो उसे माफ कर देते हैं, बच्चा सॉरी बोलता है तो हम उसे माफ कर देते हैं। बस बच्चे को माफ नहीं करोगे तो किसे करोगे? अरे भाई, तो इतनी गलतियां करते ही क्यों हो, इंसान है, गलती तो होगी रोज 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 गलतियां होती है। चलो आपको दिखाती हूँ पोहा मैंने कैसे बनाया है। रेडी हो? ओके, तो हमारा पोहा भी रेडी है दोस्तों। ये बन चुका है पोहा, इसमें डलिए पीनट्स, पोटैटो, पी, प्याज। हमारा बेटा खाता नहीं है तो वो डला नहीं है। बस अब जल्दी से इसका दूध बनाते हैं और इसको भेजते हैं कॉलेज। वाला था पर अब आ गई है, हमारा एक पार्सल आ गया है। एक्चुअली ये मैंने किया है अपने पति देव के लिए ऑर्डर, क्योंकि पति देव हमें हमेशा कुछ ना कुछ देते रहते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी उनको एक चीज़ गिफ्ट करती हूँ। तो हमने ईशांक की रिकमेंडेशन पे एक वॉच ऑर्डर की है, बट जो पहले वाली है, वो पहले वाली वॉच जो ईशांक के पास है हमारा, उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा निकला है कि हमने सोचा। एक मैंने बहुत कॉस्टली वॉच भी गिफ्ट कर रखी है हस्बैंड को, लेकिन वो डर के मारे उसको पहनते नहीं है, क्योंकि उनको टेंडेंसी है चीज़ें लूज करने की, वो जल्दी से खो देते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं कितना भी फोर्स करूं वो पहनते नहीं, तो उस वाली को बस रख रखा है। तो मैंने ये थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव वॉच मंगाई है, जो विच लुक्स एक्सपेंसिव एक्चुअली। This is the packaging. अभी हम आपको वॉच नहीं दिखाने वाले, ग्रैंड रिलीज। हाँ, बट बेटा ये पापा के पास ही रहने दीजिएगा कृपया, आप हर चीज उनकी मार लेते हैं, तो एक ये गिफ्ट उन्हीं के पास रहने देना प्लीज। मैंने बड़ी मैरी जैसी कंजूस औरत ने बड़ी मुश्किल से अपने पैसे निकाल के गिफ्ट किया है। आपको एक बात पता है, कितनी खूबसूरत है ये। You don't know one thing. Yeah. क्या? Smartwatch. हाँ. तो स्मार्ट वॉच में और नॉर्मल वॉच में क्या डिफरेंस है? ये ब्लूटूथ कॉलिंग वगैरह, इसका जो अंदर का डिस्प्ले है, इट इज अ मोबाइल वाला डिस्प्ले। मोबाइल वाला डिस्प्ले कैसे हो सकता है? अच्छा वॉच तो दिखा दो पहले अपने व्यूअर्स को, वॉच तो दिखाओ। एमरल्ड ग्रीन हमने जानबूझ के लिया सिल्वर के साथ, क्योंकि इट वॉज अ यूनिक कॉम्बिनेशन। आ
दैट दिस वाज स्टिकर ओनली यस सर तो मैं तो इसी के धोखे में ले ली थी वॉच ये अंदर का ये जो है अच्छा ऐसा ही ग्रेन निकलेगा पक्का मेरे को लगा अभी स्क्रीन ही निकलेगी बट यू आर लुकिंग वेरी क्या कहते हैं ब्यूटिफुल एंड हैंडसम इशू टूडे फ्रेश फ्रेश एकदम फ्रेश बच्चा It's loose on you. Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. The same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's If you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you, oh, oh, oh. 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 Just wanna be alone. दोस्तों ये पहन रही हूँ मैं वन पीस ड्रेस फेमेला ब्रांड की है ये बहुत प्यारी बहुत प्यारा पॉपलिन कॉटन जैसा होता है सजारा की ड्रेसेस का कॉटन होता है वैसा टाइप का कॉटन है इट हैज अ बेल्ट आल्सो थोड़ा आयरन करना पड़ेगा तो जल्दी से आयरन करते हैं बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम जल्दी से आयरन करके जल्दी से इसको पहन लेते हैं Your name again. This is many of them come. Want me just play pretend? Hi guys, welcome back. और मैं हो गई हूँ तैयार एज यू कैन इजीली सी जल्दी जल्दी हर ब्लॉग में मैं आपको ये कहती हूँ जल्दी 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 ही होती हूँ गाइज बहुत जल्दी होना पड़ता है पता नहीं क्यों टाइम मैनेजमेंट ऐसा होता है ये वीडियोज की वजह से कि एंड टाइम तक आदमी तैयार नहीं होता तो मैंने पहले गोल्ड के गोल्ड प्लेटेड एंटी टार्निश लॉन्ग लास्टिंग वाले जो प्लेटिंग होती है वो वाले हैं ये और ये अमोश से हैं स्पाइरल हुप्स हैं बहुत डिफरेंट हैं आज मैंने पहली बार पहने हैं और पिछली बार जब मैंने ये ड्रेस पहनी थी एक बार पहले तो मैंने बाल ओपन रखे थे तो टू गिव इट अ डिफरेंट लुक इस बार मैंने इस ड्रेस के साथ पोनी बना ली है और ये मैंने पहनी है एंटी टार्निश गोल्ड प्लेटेड आई ब्लेम बीड्स की एक बहुत ही डिफरेंट सी स्टाइलिश रिंग है ना डिफरेंट एकदम डिफरेंट रिंग है ये तो मैंने सोचा येलो गोल्ड और ये H&M के मैं ब्लॉक वाले पहनने वाली हूँ कंफर्टेबल रहने के लिए और फेमेला की ये मैंने ड्रेस पहन ली है पफ स्लीव्स वाली जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था और अब लगा रही हूँ मैं गुची फ्लोरा से मिलता जुलता एक परफ्यूम है आप चाहेंगे तो मैं इसका लिंक दे दूंगी दोनों की फ्रेग्रेंस बिल्कुल सेम है तो ये परफ्यूम मैं लगाने वाली हूँ चलो लगा ही लेते हैं लिप शेड है ये लिपी मेबलिन दीज इज यही फेवरेट है जब एक नई लिपस्टिक आती है तो पुरानी वाली सारी फिर रखी जाती हैं क्या आपके साथ भी ऐसा होता है मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है एक इतनी दिमाग में चढ़ जाती है कि फिर उसके बाद सारी की सारी बस रखी रह जाती है तो अभी ये चढ़ी हुई है इससे पहले लॉरियल की चढ़ी हुई थी उससे पहले याद नहीं चलो अब ये डेनिम का मैं ये बैग लेने वाली हूँ इसके साथ भी पूरा मैं आपको दिखा दूंगी और फिर चलते हैं किट्टी में
है ना, फिर से बताओ। अच्छा ओके, अच्छा इतना है, फिर तो एसी का पानी कहाँ से पिएंगे? एसी का पानी तो बेसिन के नीचे। एंड यू आर हैविंग 1 मिनट और 30 सेकंड। 30 सेकंड, 30 सेकंड, उसकी लेवलिंग करके देखें। ओके सीधा रखो, खटखट मैग्नेट लगा हुआ लग रहा है। बहुत अच्छी है, चलो यार आ जाएंगे। Good, very good, very good. ये तो एक chance और। ये तो luck वाली game है, बहुत अच्छा। Two. तो क्या हुआ? Luck plus मैंने। इनका एक ही नया उसका कम आएगा। हाँ, ठीक है ना, फिर ऐसी तो फिर easy तो होगा। Second, third सब यही है। मेरी कुछ नहीं था नाउ जो। कुछ बोलो भाई, विनर विनिंग विनिंग स्पीच दे दो। अच्छा देखा मेरे साथ कि मैं आज गई थी किटी में और अब बज रहे हैं वो 3 PM हो गए यार, लेट हो गई, तो 3 बज गए हैं। किटी से मैं वापस आ गई हूँ, अब अपनी लिपस्टिक वगैरह रिमूव करूंगी, अपनी ज्वेलरी रिमूव करूंगी। और किटी में मजा आया ना आपको मेरे साथ, कितने सारे गेम्स है, 2-3 आज, लेकिन मेरा कोई ज्यादा अच्छा दिन नहीं था, मैं कुछ भी ज्यादा नहीं जीती। हर बार मैं हर गेम जीत जाती हूँ गाइस, लेकिन इस बार नहीं जीती मैं। बस मैंने अपने तंबोला में जो 200 रुपए डाले थे, 200, बस वो वापस आ गए, भगवान का भला हो, मतलब मेरा भला हो, वो 200 तो मैं वापस ले आई। और कॉन्सोलेशन प्राइजेस किसी चीज में, लकी ड्रॉ में मेरे को एक नेल पेंट भी मिली, एक छोटा सा मिनी परफ्यूम भी मिला। आई शो यू, ये रहा वो नेल पेंट, जूडियो का है वो परफ्यूम लाते में, और ये रहा वो क्यूट सा परफ्यूम, बाली बाली है, ये बाली थीम का है, जूडियो से है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। तो चलो, बड़े गिफ्ट नहीं जीते तो क्या हुआ, हमने ये छोटे छोटे प्यारे गिफ्ट तो जीते ही, और कुछ नहीं से तो कुछ बेटर ही है। और इस तरीके से मेरा आज का ये दिन रहा, आई होप आपको भी मजा आया होगा मेरे साथ किटी में चल के। गेम्स के बारे में अगर आप और कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं कि वो गेम्स कैसे हुए, क्या क्या थे, वैसे मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया, आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर समझ नहीं आया है तो मुझे बताना, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि वो गेम्स कौन से हैं, किट्टी गेम्स कौन कौन से होते हैं क्या हम और प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप भी किट्टी विट्टी खेलते हैं तो आपको भी काम आ जाएगा, क्योंकि जब किट्टी निकलती है, मेरी भी जैसे 2 months बैक निकली थी, तो थोड़ा प्रेशर रहता है ब्रेन पे कि क्या गेम बनाएं, क्या करें क्या नहीं। तो ये वाले गेम तो बहुत अच्छे थे, सबसे अच्छा मुझे लगा कैंडल वाला गेम, सबसे अच्छा था।
हालांकि मेरी बुझ गई थी तीली, मेरी तीली बुझ गई थी, लेकिन चलो वो गेम मुझे अच्छा लगा। तो चलो गाइस मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, और टेक केयर, बाय बाय, मजे कीजिए, हैव फन, बाय।